हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड सिक्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक कंप्यूटर साइंस और उसका फिफ्थ चैप्टर एमएस पेंट पार्ट वन हमने फोर्थ चैप्टर के अंदर किया था अब हम पार्ट टू करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे होम टैब रिबन के बारे में ये जो होम टैप रिबन है ये एम एस पेंट के अंदर होता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाले टूल्स दिखाई देते हैं और ये जो रिबन है ये आपको मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे दिखाई देता है अब इसके अंदर क्या कुछ होता है आप देख सकते हैं क्लिप बोर्ड इमेज टूल ब्रशेस शेप साइज कलर सब कुछ होता है सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं क्लिप बोर्ड मेन्यू की जो क्लिप बोर्ड मेन्यू है उसके नीचे एक एरो है आप देख सकते हैं उसमें तीन ऑप्शन होते हैं कट कॉपी पेस्ट के कट और कॉपी आइकन तभी एक्टिव होता है जब आपने कोई एरिया सिलेक्ट किया होता है कि मैंने इसे कट करना है या कॉपी करना है तभी वो एक्टिव दिखाई देगा अब डिपेंडिंग ऑन द स्पेस की आपके कंप्यूटर की स्पेस कैसी है तीन तरीके से ये देख सकता है आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है यहाँ मैंने भी दिखा दी अब जो पेस्ट ऑप्शन है वो हमेशा एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि कई बार मन करता है किसी का कहीं से उठा के कुछ पेस्ट करने का तो आप क्या करेंगे पेस्ट के नीचे जो एरो है उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट पेस्ट का का या पेस्ट फ्रॉम का. आप अगर पिछले प्रोजेक्ट से कुछ कॉपी करना चाहते हैं तो पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक कीजिए और जहां से आप उठाना चाहते हो उसके बाद उसे यहाँ लेकर आइए ओपन कीजिए और आपकी करंट ड्राइंग के अंदर वो चीज ऐड हो जाएगी इतनी बात क्लियर है अब बात करते हैं इमेज मेन्यू की आप देख सकते हैं इमेज मेन्यू जो है वो भी तीन तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी डिपेंडिंग कि आपके कंप्यूटर में कितनी स्पेस है उसे दिखाने की अलग अलग तरीके से दिखाई देती है अब आपने मान लीजिए कुछ ड्राइंग बनाई है और उसके अंदर आप अलग अलग चीजें करना चाहते हैं तो सबसे पहला अगर आप इमेज के नीचे एरो को क्लिक करेंगे एक मेन्यू आएगा जिसमें सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मान लीजिए आप देख सकते हैं बहुत सारी ड्राइंग बनाई हुई है इस पेज के ऊपर और अगर आप चाहें तो वो एरिया एक सिलेक्ट कर सकते हैं अब जब आप वो एरिया सिलेक्ट करेंगे उसके पीछे जो सेक्शन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मतलब बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाएगा अगर आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया हुआ है आप देख सकते हैं ये कैसे चल रहा है अगर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक किया हुआ है तो ये कैसा काम करता है और अगर टिक नहीं है तो क्या काम करता है आप उसे कॉपी भी कर सकते हैं अगर चाहें अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्या होता है आप वो रेक्टेंगुलर टूल जो है वो करते हैं तो जो आपका कर्सर है वो जब आप खींचते हैं वो एक रेक्टेंगल की शेप में आ जाता है और आप उस पार्ट को क्या कर सकते हैं उसके बाद क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं और अगर आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो उसको अलग अलग जगह पे आप कॉपी कर सकते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आ जाएगी आपके पास वैसे ही एक और है फ्री फॉर्म सिलेक्शन मतलब इसमें कोई शेप नहीं होती आप चाहे तो अपने साइज के हिसाब से या अपने मन के हिसाब से कोई एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं एक और ऑप्शन है इसके अंदर कॉपिंग सिलेक्शन अब जो कॉपी बटन है वो इस रिबन पे दिया हुआ है कॉपी करने के लिए आप मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा कॉपीज इसकी बना सकते हैं जल्दी से जल्दी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मान लीजिए आपने वो सिलेक्ट कर लिया जिस चीज को आपने कॉपी करना है बेशक वो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो बेशक वो फ्री फॉर्म में हो आपने उसे सिलेक्ट कर लिया एक करसर ऐसी पेस्ट करना चाहते हैं वहां वहां उसे ड्रैग कर लीजिए तो आपका वो पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो पेस्ट हो जाएगा नई लोकेशन पे बस कॉपी होता जाएगा तो कितना आसान है बस कंट्रोल की का यूज करो और एक सेकंड में जहां जहां चाहो उसको पेस्ट किया जा सकता है जितनी बार चाहो पेस्ट कर सकते हो वैसे ही अगर हम बात करें पेंटिंग विद इन सिलेक्शन मतलब अगर आप एक सेक्शन के अंदर ही पेंटिंग करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है तो मान लीजिए आपने एक छोटा सा हिस्सा लिया एक पिक्चर का जिसमें एक से ज्यादा कलर है पिक्चर के अंदर आप उसको पकड़ के रखते हैं स्विफ्ट की को पकड़ के रखते हैं और उसे खींचते हैं उससे आप एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न भी बना सकते हैं अगर आप चाहें जिस सिलेक्शन को आप पकड़ते हैं उससे अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं इजी काम हो गया अब बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती है सिलेक्शन ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें आपको दिखाई देगा क्रॉप करने का ऑप्शन रिसाइज करने का और रोटेट फ्लिप करने का जैसे कैमरा में फोटो लेते हैं तो रोटेट नहीं हो जाती ऐसे इस साइड को करना है उस साइड को करना है एंटी क्लॉकवाइज करना है क्लॉकवाइज करना है वही चीज फोटो में भी तो आपने क्रॉप की होंगी फोन के अंदर वही सेम चीज है अब ये जो क्रॉप का बटन है ये एक डायमंड शेप का होता है टॉप इसका ऐसे करके होता है जिससे आप अपनी पिक्चर को क्या कर सकते हो क्रॉप कर सकते हो कोई भी एरिया लेके उसके बाद उसे सेव भी किया जा सकता है जो एरिया आपने क्रॉप किया जैसे फोन में होता है सबसे पहले आपने क्या करना है जो पिक्चर है आपकी पहले तो आप उसी को सेव कर लो उसके बाद आपने वो पार्ट सेलेक्ट करना है ड्रॉइंग का जिसको आपने क्रॉप करना है क्रॉप बटन पे क्लिक करो उसके बाद पेंट बटन पे जाओ ओपन मेन्यू और अलग नाम से उस चीज को आप क्या कर सकते हो सेव कर सकते हो वैसे ही आप रीसाइज और स्क्यू कर सकते हो ये रीसाइज और स्क्यू का बटन सेकंड वाला आपको दिखाई दे जाएगा वहां पे एक ना डायलॉग बॉक्स आता है जब आप इसको क्लिक करते हो रीसाइज करने को रिसाइज में क्या होता है एक इमेज है उसको बड़ा करना छोटा करना वो तो आप हाथ से खींच के भी कर सकते हो उसको बड़ा छोटा करना जैसे आप देख रहे हो इसके अलावा अगर आपको पता है exactly एग्जैक्टली कितना बड़ा या छोटा करना है कितने पिक्सल या परसेंटेज में बड़ा या छोटा करना है हॉरिजोंटली वर्टिकली उसके लिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रिसाइज करने के लिए यूज होता है और नीचे वाला स्क्यू मतलब डिग्रीज में किया जाता है स्क्यू ऐसे करके थोड़ा टिल्ट हो जाता है वो अब स्क्यू की बात बाद में करते हैं लेकिन आप देख रहे होंगे जो रीसाइज का डायलॉग बॉक्स है उसके नीचे लिखा है मेंटेन एस्पेक्ट अगर एस्पेक्ट अगर है मतलब क्लिक हुआ हुआ है तो जितना आप हॉरिजोंटल में नंबर भरोगे 90 ऑटोमेटिकली वर्टिकल में भी 90 आ जाएगा मतलब जितना ऐसे वर्टिकल उतना ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा बराबर एक स्क्वायर शेप में चीज आ जाएगी अब बात करते हैं स्क्यू की आप देख सकते हैं जब आप स्क्यू करते हैं तो वो चौड़ा हो जाता है थोड़ा सा एक डिग्री पे चौड़ा हो जाता है ताकि कोई भी चीज कटे ना तो एक वाइडर सिलेक्शन का एरिया आपको मिल जाता है अब बात करते हैं रोटेट या फ्लिप करने की जो कैमरा में होता है अब ये रोटेट और फ्लिप अलग अलग डिग्री पे किया जा सकता है रोटेट 90 डिग्री पे राइट पे रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री रोटेट 180 डिग्री वर्टिकली फ्लिप करना है ये सब किया जा सकता है अब मान लीजिए आपने कलर को इन्वर्ट करना है तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप कलर को भी इन्वर्ट कर सकते हो मतलब लाइट वाले हिस्से को डार्क कर सकते हो डार्क वाले को लाइट कर सकते हो और वाइसी वर्षा उल्टा भी किया जा सकता है तो ये जो है ये कैसे आ जाता है अगर आप राइट right क्लिक करते हो जो एरिया है जो ड्रॉइंग है उसके ऊपर राइट क्लिक करो ऐसे करके डायलॉग बॉक्स आ जाएगा उसके बिल्कुल नीचे जाके आपको दिखाई देगा इनवर्ट कलर अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो तो लाइट कलर डार्क में हो जाता है और डार्क कलर लाइट के अंदर बदल जाता है वैसे ही अब दूसरे वाले पे चलते हैं द टूल्स मेन्यू पे आप देख रहे होंगे जो टूल्स मेन्यू है उसमें छह चीजें हमें क्लियरली दिखाई दे रही है सबसे पहली है पेंसिल फ्री हैंड ड्राइंग करनी है तो पेंसिल का इस्तेमाल कर लो अब इसको जूम इन भी किया जा सकता है जूम आउट किया जा सकता है नीचे से अब ये जो पेंसिल है ये दो कलर्स में होती है आप देख रहे होंगे कलर वन और कलर टू आपको दिखाई दे रहा होगा जो कलर वन है वो लेफ्ट क्लिक करोगे माउस का तो कलर वन चलेगा राइट क्लिक करोगे तो कलर टू चलेगा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इस चीज को अलग अलग कलर यूज कर सकते हो पेंसिल की थिकनेस भी चेंज कर सकते हो ऐसे लाइनें दिखाई दे रही होंगी आपको वहां से आप मोटा पतला कर सकते हो पेंसिल को अगला है फिल विद कलर अगर आपने एक एरिया के अंदर कोई रंग भरना है पूरा का पूरा एरिया उसी में रंगना है तो आप ये फिल विद कलर का आइकन यूज कर सकते हो इसमें भी दो कलर है वही सेम चीज कलर वन लेफ्ट क्लिक से चलेगा कलर टू राइट क्लिक से चलेगा पूरा कलर हो जाएगा तीसरी चीज टेक्स्ट टूल टेक्स्ट टूल में क्या होता है आप टेक्स्ट लिख सकते हो कोई चीज लिख सकते हो एक होता है ड्रॉइंग बनाना बट टेक्स्ट टूल के जरिए आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो और जैसे ही टेक्स्ट ऐड करोगे आप देखोगे ऊपर की चीजें चेंज हो जाएंगी आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो साइज चेंज कर सकते हो बोल्ड कर सकते हो उसे इटैलिक्स में ला सकते हो उसे अंडरलाइन कर सकते हो तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करो ऑटोमेटिकली ऊपर वो चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी टेक्स टूल बार आ जाता है जिसके अंदर जो चाहे आप कर सकते हैं अगर आप चाहें कि फॉन्ट का साइज जो है ए का वो बड़ा करना है बी का साइज बड़ा करना है वो भी आ जाता है कलर अलग अलग यूज किए जा सकते हैं बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट से ओपेक ओपेक से ट्रांसपेरेंट में आप जा सकते हो जो चाहे इसके अंदर चेंजेस की जा सकती है इरेजर इरेजर का काम सबको पता है अगर आप चाहे तो कोई भी चीज जो है इरेज कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक करोगे कलर वन इरेज हो जाएगा राइट क्लिक करोगे कलर टू इरेज हो जाएगा बाकी कोई चीज बिगड़ेगी नहीं अब ये इंपॉर्टेंट चीज है आप देखो कलर पिकर कई बार हम ना बड़ा गुम हो जाते हैं ड्राइंग बनाते बनाते तो क्या होता है हम भूल जाते हैं कि ये एक्जैक्टली exactly कौन सा कलर यूज किया था तो आप उसको जूम इन करो ड्राइंग को और कलर पिकर को वहां पे ले जाओ ये अपने आप पता लगा लेगा कि ये वाला कलर जो है आप लोग ढूंढ रहे हो और फिर वो अपने आप उसको उस कलर में चेंज करके कहीं और अगर आप यूज करना चाहें तो आप उसे कर सकते हो पेंसिल में भी यूज कर सकते हो पेंट ब्रश में भी कर सकते हो जैसे चाहे कर सकते हो कलर पता लग जाता है अगली चीज मैग्निफायर जूम इन करने के लिए कोई हिस्सा आप मैग्निफायर यूज करते हो इसके अलावा यहाँ पे ब्रशेस भी बने हुए हैं जिसको हम यूज करते हैं कलर करने के लिए अलग अलग तरीके के ब्रशेस बने हुए हैं उनकी लाइंस बनी हुई है कि कितना पतला कितना मोटा है वृथ जो है हरेक की अलग अलग है उसके अलावा है शेप्स अलग अलग तरीके के आकार है रेक्टेंगल हो गया राउंडेड रेक्टेंगुलर एक हो गया फ्री हैंड हो गया पॉलिगन्स हो गया लाइन टूल्स हो गए लाइन टूल्स हो गए बहुत सारी अलग अलग शेप्स आप देख सकते हो यहाँ पे एरो बलून चार्ट सब कुछ इस गैलरी के अंदर आपको मिल जाता है स्ट्रेट लाइन मतलब आप उस पर क्लिक करोगे सीधी लाइन आ जाएगी अगर आप चाहें कलर वन यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें कलर टू राइट क्लिक करके यूज कर सकते हैं सिंपल कर्व लाइन से कर्व लाइन की आउट आ जाएगी आप आउटलाइन की थिकनेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कलर सिलेक्ट कर सकते हो वैसे ही eclipse, circle, square, उस पे अगर करोगे, एक एक करके आप वो चीजें बना सकते हो और अगर आप स्विफ्ट की पकड़ोगे तो बन जाएगा आसानी से उसके अलावा है फ्री हैंड पॉलीगन मतलब कोई शेप आपने बनानी है पर वो फ्री हैंड पॉलीगन की बनानी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा माउस को पकड़ना पड़ेगा पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो पॉलीगन की उसके बाद माउस छोड़ दो फिर दूसरी ड्रॉ कर लो फिर छोड़ दो क्लिक करते रहो तो जब आपकी पूरी हो जाएगी उसके बाद डबल क्लिक कर देना बहुत आसानी से आप किसी भी शेप की ड्रॉइंग बना सकते हो अगली चीज है द साइज टूल साइज टूल में आपको पता है ब्रश का जो साइज है आप सिलेक्ट कर सकते हो कितना मोटा होना चाहिए थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो साइज टूल में आता है लाइनें बजी होती हैं और फिर है कलर्स पहले ही मैंने आपको बता दिया दो होते कलर होते हैं कलर वन कलर टू के अलावा कलर पैलेट होता है और एडिट कलर का बटन होता है इजीली देख सकते हो अब जो कलर वन है जब आप पेंट खोलते हो तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसे फोरग्राउंड कलर बोलते हैं और वो ब्लैक कलर का होता है जो कलर टू है उसे बैकग्राउंड कलर बोलते हैं और बाय डिफॉल्ट वो मतलब बेसिकली वो जब आप पेंट खोलते हो वाइट कलर का होता है आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं इसके अलावा कलर पैलेट होता है जब आपने काम करना है कोई कलर सिलेक्ट किया काम कर लिया और उसके अलावा आप एडिट भी कर सकते हो कलर्स को अब जो कलर्स को एडिट किया जाता है उसके लिए आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जब एडिट कलर्स पे क्लिक करते हो जिस तरीके का कलर आप चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं मतलब वैरायटी होती है कलर्स की जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा व्यू टैब रिबन आपको दिखाई देगा वहां पर व्यू टैब रिबन के अंदर तीन ऑप्शन है जूम हाइड या शो करने वाला और डिस्प्ले जूम तो आपको पता है एकदम अंदर तक जाना या बाहर निकलना हाइड एंड शो के अंदर आप देख सकते हो जब क्लिक करते हो तो जो नीचे का स्टेटस बार है वो गायब हो जाता है या आ जाता है तो ये यूजफुल होता है इसके अलावा वहां पर ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है जैसे मैथ्स में नहीं होता आपकी ग्रिड लाइंस वैसी आ जाती है ग्रिड लाइंस पे क्लिक करोगे रूलर्स में आसपास स्केल आ जाते हैं अगर आपको चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो उसके अलावा लास्ट ऑप्शन है डिस्प्ले डिस्प्ले मतलब या तो आप फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हो अपनी पेंटिंग कैसे दिखाई देगी वो दिखाई दे जाता है लेकिन उसके अलावा थंबनेल का ऑप्शन है वो तभी चलता है थमनेल मतलब वापस सिंपल फॉर्म में आ जाना जब आपने उसे ज़ूम इन किया होता है मान लीजिए ड्राइंग का एक हिस्सा आपने जूम इन किया हुआ है तो अगर आप थमनेल पे क्लिक करेंगे तो वापस वो नॉर्मल व्यू पे आ जाएगा तो ये थे पेंट के ऑप्शन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई देन टेक केयर बाय बाय